हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राजश्री और मेरे चैनल क्रोशे जेमिनी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ये पाउच का एक नया पैटर्न है ये बनाना दिखाऊंगी। इसके लिए मैंने 2 प्लाई की 2 रंगों में ऊन ली है। हम अपनी पसंद की कोई भी ऊन ले सकते हैं। क्रोशे का 3 mm का हुक लिया है। क्रोशे का स्टील का 5 नंबर का हुक लिया है। ये सबसे पतला हुक होता है। यहाँ पर मैंने 9 इंच की एक मैचिंग की चेन ली है और कैंची ली है। तो आइए शुरू करते हैं। जिपर पाउच के लिए हम सबसे पहले ये 9 इंच की चेन यानी कि जिपर लेंगे। क्रोशे का ये 5 नंबर का स्टील का हुक है ये लेंगे और ऑरेंज कलर का ऊन लेंगे। ये यहाँ पर हम ये जो स्टील का ये जो हुक है इसकी मदद से हमें इस चेन में धागा डालने में आसानी होगी। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो हमारी चेन है इसका जो ये आखिरी छोर है यहाँ पर हम इस ये जो स्टील का हुक है इससे हम एक छेद बनाएंगे ये इस तरह से। अब हम इस ऑरेंज धागे को ये इस स्टील के हुक की मदद से इस तरह से बाहर निकालेंगे। और एक चेन बना लेंगे ये इस तरह से। अब यहाँ पर ये थोड़े अंतर पर हम ये इस तरह से। अब हम इस धागे को इस जिपर के इसमें से बाहर निकालेंगे ये इस तरह से और सिंगल क्रोशे करते हुए इसे जोड़ लेंगे। हम इस सुई की मदद से भी इस जिपर के ऊपर छोटे छोटे छेद बना सकते हैं जिससे कि हमें स्टील हुक डालने में आसानी हो सके। तो अब हम इसी तरह से इस जिपर में सिंगल क्रोशे करते हुए धागे को जोड़ लेंगे। ये जिपर की एक साइड पूरी हो गई है और यहाँ पर मैंने 34 यानी कि 34 सिंगल क्रोशे स्टिच बनाए हैं। अब हम इस दूसरी साइड के लिए सबसे पहले 4 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और ये 4। अब यहाँ पर हम ये इस दूसरी साइड में ये इसी लाइन में हम ये इस हुक से इस तरह से छेद बनाएंगे और इस जिपर में से इस धागे को निकालेंगे ये इस तरह से। अब हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये इस तरह से। अब हम यहाँ इस दूसरी साइड में भी थोड़े थोड़े अंतर पर सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस ऑरेंज धागे को जोड़ लेंगे। ये मेरी दूसरी साइड लगभग पूरी होने को है। ये एक और हम बना लेंगे ये इस तरह से। तो अब ये हमारी दूसरी साइड भी पूरी हो गई है। अब हम यहाँ पर 4 चेन बनाएंगे। तो ये 1, 2, 3 और 4। और अब हम इस 4 चेन को ये जो पहला सिंगल क्रोशे स्टिच है इसके साथ हम स्लिप स्टिच करते हुए इसे जोड़ लेंगे ये इस तरह से। तो यहाँ पर अब हमने ये इस स्टील हुक की मदद से इस ऑरेंज धागे को सिंगल क्रोशे करते हुए इस जिपर के साथ जोड़ लिया है। अब यहाँ पर हम इस स्टील के हुक को निकाल देंगे और इसकी जगह हम इस चेन में क्रोशे का 3 mm का हुक लेंगे। अब हम एक चेन बनाएंगे ये इस तरह से। अब इसके बाद हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक चेन बनाने के बाद अब ये जो अगली स्टिच है इसमें हम
ये एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। ये इसकी अगली स्टिच में भी सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो अब मैं ये चेन की ये साइड पूरी होने तक एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेती हूँ। ये मेरी एक साइड में हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच पूरे हो गए हैं। अब हम ये जो हमने चार चेन बनाई थी, हम इस जगह तीन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच और ये तीसरा सिंगल क्रोशे स्टिच, ये इस तरह से। अब हम ये चेन की जो ये दूसरी साइड है, यहाँ पर हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। ये इस तरह से। तो अब मैं इसी तरह से इस पूरी साइड को बना लेती हूँ। ये मेरी दूसरी साइड भी पूरी हो गई है। अब हम ये जो चार चेन की जगह है, इस जगह हम तीन सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच और ये इसी जगह ये तीसरा सिंगल क्रोशे स्टिच, ये इस तरह से। अब हम ये जो पहली सिंगल क्रोशे स्टिच है और आखिरी सिंगल क्रोशे स्टिच, इसे स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है। दूसरे राउंड के लिए सबसे पहले हम एक चेन बनाएंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर भी हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक सिंगल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच, ये तीसरा सिंगल क्रोशे स्टिच। तो अब मैं इसी तरह से इस पूरे दूसरे राउंड में सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेती हूँ। ये हमारा दूसरा राउंड भी पूरा हो गया है। अब हम ये पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। तीसरे राउंड के लिए हम सबसे पहले यहाँ एक चेन बनाएंगे, ये इस तरह से। अब हम ये जो पहली स्टिच है, इसमें एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये इस तरह से। अब मैं इसी तरह से इस पूरे तीसरे राउंड में सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेती हूँ। ये हमारा तीसरा राउंड भी पूरा हो गया है। अब हम इस पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहाँ पर हम इस तीसरे राउंड के बाद धागा बदलेंगे। तो इसके लिए अब हम यहाँ इस ऑरेंज धागे को काट लेंगे और नीले धागे को इस ऑरेंज धागे के साथ जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। धागा जोड़ने के बाद सबसे पहले हम ये जो इसके पहले की स्टिच है, इस स्टिच में हम एक स्टिच मार्कर लगा देंगे, जिससे कि हमें राउंड गिनने में आसानी हो सके। अब हम नीले धागे से एक चेन बनाएंगे, ये इस तरह से। अब इसके बाद हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते चलेंगे। तो ये पहला सिंगल क्रोशे स्टिच, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच। तो अब हम इसी तरह से इस पूरे राउंड को बना लेंगे। ये नीले धागे से मेरा पहला राउंड पूरा हो गया है।
अब हम ये स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। और ये जो पहली ये जो स्टिच है, इस पहली और इस आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। और अब हम ये स्टिच मार्कर को ये इसके पहले की स्टिच में लगा देंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा पहला राउंड पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हम नीले धागे से 5 राउंड और बनाएंगे, यानी कि टोटल हमें यहाँ पर नीले धागे से 6 राउंड बनाने हैं। उसके बाद हम ऑरेंज धागे से 3 राउंड बनाएंगे, उसके बाद फिर से हम नीले धागे से 6 राउंड बनाएंगे, और फिर से हम उसके बाद ऑरेंज धागे से 3 राउंड बनाएंगे, यानी इस तरह से हमें टोटल 18 राउंड और बनाने हैं। तो अब मैं इसी तरह से 18 राउंड बना लेती हूँ। ये मेरे 18 यानी कि 18 राउंड्स पूरे हो गए हैं। यहाँ पर ये हमने 6 राउंड नीले धागे से बनाए, 3 राउंड ऑरेंज धागे से, 6 राउंड फिर से नीले धागे से और 3 राउंड ऑरेंज धागे से। तो इस तरह से हमारे 18 राउंड्स पूरे हो गए हैं। अब हम ये पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये इस तरह से। अब इसके बाद हम इस नीले धागे को ऑरेंज धागे से जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब यहां से हम एक चेन बनाएंगे और पहले की तरह यहां पर भी हम हर स्टिच में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, लेकिन अब यहां हम ये जो सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे ये हम पीछे के फंदे में बनाएंगे। ये हमारे स्टिच में 2 फंदे हैं, तो इसमें हम पीछे के फंदे में सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। तो ये एक, ये पीछे के फंदे में हमें सिंगल क्रोशे स्टिच बनाना है, ये इस तरह से। ये इस तरह से। तो अब मैं इस पीछे के फंदे में सिंगल क्रोशे बनाते हुए इस 19वें राउंड को पूरा कर लेती हूँ। ये मैंने 19वां राउंड पीछे के फंदे में बना लिया है। अब हम इस पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे, ये इस तरह। अब हम यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ इस 19वें राउंड के बाद हम 2 राउंड बनाएंगे, पर अब हम ये जो 2 राउंड बनाएंगे ये हम पीछे के फंदे में नहीं बनाएंगे, ये हम पहले की तरह ही सिंगल क्रोशे स्टिच करते हुए इस स्टिच में ही बनाएंगे। तो अब यहाँ पर हम ये इस तरह से हम पहला सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे, ये दूसरा सिंगल क्रोशे स्टिच, तो अब मैं इस तरह से 20 और 21 इन 2 राउंड्स को बना लेती हूँ। ये मेरा 21वां राउंड भी पूरा हो गया है। अब हम इस पहली और आखिरी स्टिच को स्लिप स्टिच करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। अब हम इस नीले धागे को काट लेंगे और एक चेन बनाते हुए इसे बंद कर लेंगे, ये इस तरह से। तो अब ये हमारा पाउच लगभग तैयार हो गया है। अब हम ये जो इस पाउच की जो ये 2 साइड्स हैं इन्हें अंदर की तरफ से सिलेंगे। दोनों साइड सिलने के लिए हम किसी भी एक कॉर्नर में नीले धागे को जोड़ लेंगे।
ये इस तरह से। अब हम ये जो दोनों साइड्स हैं इनके स्टिचेस को सिंगल क्रोशे करते हुए जोड़ लेंगे, ये इस तरह से। हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे और इन्हें जोड़ लेंगे। ये इस तरह से। तो अब मैं ये दोनों साइड्स को जोड़ लेती हूँ और ये धागों को भी अंदर की तरफ सिल लेती हूँ। ये मैंने दोनों साइड्स और बचे हुए धागे सिल लिए हैं। अब हम ये जो चेन के दो कॉर्नर्स हैं इन्हें हम फिनिशिंग के लिए ये इस पाउच के साथ सुई धागे से सिल लेंगे। इसके लिए मैंने ये नीला धागा सुई में ले लिया है और अब हम ये इन कॉर्नर्स को ये इस तरह से सिल लेंगे। ये इस तरह से। तो अब मैं इस दूसरे कॉर्नर को भी सिल लेती हूँ। हमारा जिपर पाउच तैयार है, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है। हमने 19वां राउंड पीछे के फंदों में बनाया था, इस वजह से इस पाउच को एक बेस मिल गया है जिससे हम इसमें ज़्यादा चीज़ें रख सकते हैं। हम इस पाउच को स्टेशनरी के अलावा ज्वेलरी आइटम्स के लिए भी यूज़ में ला सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।